السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास तर्जमा कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 90। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين بئس فعلزم ماضي ये इसी तरह इस्तेमाल होता है, बदलता नहीं है। मतलब है कबूहा, बुरा हुआ। बिसा किसी चीज की बुराई या बुरा कहने के लिए किसी चीज को ये फेल इस्तेमाल होता है बिसा। और इसके मुकाबले में नियमा अच्छाई को बयान करने के लिए, किसी चीज को अच्छा कहने के लिए नियमा लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो भी फेल है, वर्ब है। मा माने जो, बुरा है वो जो। इश्तरव उन लोगों ने खरीदा, बिही उसको, इश्तरव उन लोगों ने खरीदा, शीन रा या इसका रूट है, अनफुसहुम अपनी जानों को। अनफुस नफ्स का प्लूरल है जान, हुम माने वो लोग, अनफुसहुम उनकी जान, अपनी जान। अन यकफुरु, अन मुजारे के शुरू में आता है, आखिर से अगर नून होता है उसको हटा देता है, और अगर नून नहीं होता है तो उस पर जबर देता है। वो इनकार करते हैं बीमा, बीमा ने उस चीज, मा माने वो चीज, बा माने कफारा, बा इनकार करना। इनकार करते हैं उस चीज का, बीमा उस चीज को, इनकार करते हैं उस चीज को, अनजर अल्लाह जिसको अल्लाह ने उतारा, बगैर हठधर्मी में, जिद में, बागैन या इसका रूट है, इसका मतलब बगावत करना, हद से निकलना, और हसद करना भी आता है इसका मतलब, खराबी भी इसका मतलब आता है। अन युनज़िल अल्लाह, अन वही वाला है, युनज़िल अल्लाह के अल्लाह नाजिल करे, उतारे, मिन माने से, फजल माने फजल ही माने उसका, फजल ही उसके फजल से अल्लाह उतारे, आला पर, मन माने जो, जिस जिस पर, यशाउ वो चाहे, मिन माने से, इबाद माने बंदे, ही माने उसके, इबाद ही उसके बंदों में से, जिस पर वो चाहे अपने फजल में से उतारे, इस जिद पर वो इनकार करते हैं अल्लाह की उतारी हुई चीज को। फा तो बाउ वो ले लोटे, बी माने साथ, गजब माने गुस्सा, गुस्से के साथ, गुस्सा लेकर, बा वाव हमजा लौटना लाना, मुस्तहिक होना भी इसका मतलब होता है, मुस्तहिक होना, आला माने पर, गजब माने गुस्सा, गुस्से पर, गुस्से के वो मुस्तहिक हुए, गुस्से पर गुस्सा लेकर वो लौटे। वा माने और, ली माने लिए, अलकाफिरीन माने काफिर, काफिरीन के लिए, इनकार करने वालों के लिए, अजाबुन माने तकलीफ, मुहीन माने जिल्लत वाला। कैसी बुरी है वो चीज जिससे उन्होंने अपनी जानों का मोल किया, कि वो इनकार कर रहे हैं अल्लाह के उतारे हुए कलाम का, इस जिद की बिना पर कि अल्लाह अपने फजल से अपने बंदों में से जिस पर चाहे उतारे, बस वो गुस्से पर गुस्सा कमा कर लाए यानी लाए, और इनकार करने वालों के लिए जिल्लत का अजाब है। वा इज़ा क़ीला लहुम आमिनू,
बिमा अंज़लल्लाहु قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا اور جب قِيلَ کہا گیا لَهُمْ ان سے ان کے لیے مطلب ان سے اور جب ان سے کہا جاتا ہے माजी में जब इज़ा लगता है तो मुजारे का तर्जमा हो जाता है आमिनू ईमान ले आओ बीमा उस चीज पर पहले भी आ चुका है बीमा आ माने बा के साथ ईमान लाया मा माने वो चीज उस चीज पर ईमान लाओ जो अनजला नाजिल की अल्लाह अल्लाह ने कालू तो कहते हैं नुमिनू हम ईमान लाते हैं हम यकीन करते हैं बीमा उस चीज पर उन जिला जो नाजिल की गई वैसी वह अलैना हम पर आला माने पर ना माने हम वयकफुरूना और वो इनकार करते हैं कफारा यकफुरू इनकार करना यकफुरूना जमा का सिगा है वो इनकार करते हैं बीमा उस चीज का कफारा बा के साथ इनकार करने के माने में आता है वो इनकार करते हैं मा उस चीज का वरा माने पीछे वो माने उसके जो उसके पीछे आया उसका वो इनकार करते हैं वरा माने पीछे भी आता है और इसका मतलब आगे भी होता है आगे तो आप ये कह सकते हैं हर वो चीज जो आपकी आंखों से पोशीदा है उसको वरा कहेंगे चाहे वो आगे के माने में इस्तेमाल हो जाए चाहे पीछे के माने में इस्तेमाल हो जाए अक्सर पीछे के माने में इस्तेमाल होता है वो वा और हुआ माने वो अलहक हक और वो हक है मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला है सच्चा करने वाला है सौद दाल का सच्चा करने वाला है लिमा उस चीज को मा माने साथ हम माने वो लोग उन लोगों के जो साथ है उन लोगों के जो पास है उसको वो सच्चा करने वाला है कुल आप कह दीजिए फा तो लिमा क्यों क्यों तब तो लूना तुम कत्ल करते रहे हो तुम कत्ल करते हो अम्बिया अल्लाह अल्लाह के नबियों का नबियों का प्लूरल है अम्बिया नबी माने एक नबी और अंबिया बहुत से अल्लाह के नबियों का तुम क्यों कत्ल करते रहे हो नून बा हमजा इसका रूट है इसका मतलब खबर देना बताना तो अंबिया जो होते हैं नबी जो होते हैं वो अल्लाह की बातों को बताते हैं खबर देते मिन माने से कबल माने पहले इससे पहले इन माने अगर कुन तुम थे या होना तुम हो मोमिनी ईमान वाले और जब उनसे कहा जाता है कि उस कलाम पर ईमान लाओ जो अल्लाह ने उतारा है तो वो कहते हैं कि हम उस पर ईमान रखते हैं जो हमारे ऊपर उतरा है और वो उस कलाम का इनकार करते हैं जो उसके पीछे आया है हालांकि वो हक है और सच्चा करने वाला है उसका जो उनके पास है कहो अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम अल्लाह के पैगम्बरों को इससे पहले क्यों कत्ल करते रहे हो सारा तो ये देखिए ऊपर ये कह रहे हैं कि हम वो इस पर ईमान रखते हैं हम उस पर यकीन करते हैं जो हम पर नाजिल किया गया है तो इनको ये कहा जा रहा है कि अगर तुम ईमान रखते हो उस चीज पर ही चलो जो तुम पर नाजिल हुआ है तो तुम अल्लाह के नबियों को क्यों कत्ल करते रहे हो उसमें तो कत्ल करने के लिए मना किया गया था किसी को भी وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون واو معنی اور لقد تحقیق کے لیے تاکید کے لیے آتا ہے جاءکم آیا جاء معنی آنا جیم حمزہ آیا کم تمہارے پاس موسیٰ بی معنی ساتھ البینات واضح نشانیاں
वाज़े निशानियों के साथ तुम्हारे पास मूसा आया, तो वाज़े निशानियां लेकर तुम्हारे पास मूसा आया। जा बा के साथ किसी चीज को लेकर आने के माने में आता है। सुम्मा फिर इत्तखज़्तुम तुमने बना लिया अपना लिया। इत्तखज़ा माने किसी को अपनाना और दिल से तस्लीम करना। जी सर बिल बयान तो निशानियां मतलब है इसका। जी वाज़े निशानियां खुली हुई निशानियां। बा या नून इसका रूट है, पहले भी आ चुका है, वहां भी हमने बताया था। इसका मतलब होता है किसी चीज का दूसरे से अलग हो जाना, अलग दिखना, अलग हो जाना, बिल्कुल अलग होने की वजह से वाज़े और साफ हो जाना। इत्तखज़ा अपनाना दिल से तस्लीम करना। अल इज्ल माने होता है बछड़ा, तुमने बछड़े को माबूद बना दिया। मिन बाद ही उसके बाद। वह अंतुम और तुम जालिमून जुल्म करने वाले हो, जालिम हो। और मूसा तुम्हारे पास खुली निशानियां लेकर आया, फिर तुमने उसके पीछे बछड़े को माबूद बना दिया और तुम जुल्म करने वाले हो। وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا وَإِذْ اور جب أَخَذْنَا ہمنے لیا، حمزہ خازل لینا، اور أَخَذْنَا جمع کا صیغہ ہے فرسٹ پرسن، ہم نے لیا، میثاق مانے پکا وعدہ، کم مانے تمہارا، تمہارا پکا وعدہ ہم نے لیا، تم سے پکا وعدہ ہم نے لیا، اور رفعنا ہم نے اٹھایا، اوپر کیا، بلند کیا، رفع مانے اٹھانا، فوق مانے اوپر، کم مانے تمہارے، فوقکم تمہارے اوپر، الطور پہاڑ طور کو، خضو تو پکڑو لو، اخذا ابھی اوپر آیا تھا لینا، اسی سے فعل امر ہے خضو لو، خذ اس کا سنگولر ہے جمع خذو، تم سب لو، ما مانے جو، آتینا ہم نے دیا، کم تم کو، بی مانے ساتھ، قوت مانے قوت مضبوطی، تو قوت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ طاقت کے ساتھ پکڑو جو ہم نے تم کو دیا، واسمعو اور سنو، سین میم عین مانے سننا، سمعا اور اسی سے فعل امر اسمعو جمع کے ساتھ تم سب سنو، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر کھڑا کیا، جو حکم ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قالوا انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا سین میم عین ابھی پیچھے جو آیا تھا اسی سے سمعنا ہم نے سنا فرسٹ پرسن جمع کا صیغہ وعصینا اور ہم نے انکار کیا عین صاد یا انکار کرنا نافرمانی کرنا بات نہ ماننا حکم نہ ماننا واشربوا اور وہ پلا دیے گئے فی قلوبہم ان کے دلوں میں فی معنی میں قلوب معنی دل ہم معنی وہ لوگ فی قلوبہم ان کے دلوں میں قلوبہم ان کے دل فی معنی میں اشربا پلانا شین را با اس کا روٹ ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز کو انڈیلنا پلانا پودوں کو پانی دینے کے لیے بھی آتا ہے اور سیراب کرنے کے لیے بھی آتا ہے یعنی ڈالنا لکوڈ العجل معنی بچھڑا الفاظ ایسے ہیں کہ اس سے یہ معنی واضح ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کو ایک لکوڈ کی طرح ڈال دیا گیا تاکہ وہ پورے جسم میں پھیل جائے اور ان کے دل و دماغ میں رچ بس جائے ترجمہ بھی اسی وجہ سے اسی طرح کا ہوا ہے بھی معنی ساتھ اور سبب بھی آتا ہے وجہ سے کسی ریزن سے ریزن کے لیے بھی بات ہے بھی کفرہم ان کے کفر کی وجہ سے ان کے کفر کے سبب ان کے انکار کے سبب قل آپ کہہ دیجئے بئس کیا ہی برا ہے ما
वो यामुरुकुम तुमको हुक्म देता है, अमरा माने हुक्म देता, हुक्म देना किसी चीज का कहना, हमजा मीमरा यामुरु हुक्म देता है कुम तुमको बिही उस चीज का, बिही उस चीज का अमरा बा के साथ हुक्म देने के माने में आता है, उस चीज का हुक्म देता है ईमानु ईमान कुम तुम्हारा, ईमानुकुम तुम्हारा ईमान, क्या ही बुरा है वो जिसका तुम्हारा ईमान तुमको हुक्म देता है, इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम ईमान वाले हो, यानी अगर तुम्हारा ईमान तुम्हें कुफ्र के करने पर आमादा कर रहा है, कुफ्र को करने के लिए कह रहा है, तो फिर तुम्हारा ईमान किस काम का। उन्होंने कहा हमने सुना और हमने नहीं माना, और उनके कुफ्र के सबब से बछड़ा उनके दिलों में रच बस गया, कहो अगर तुम ईमान वाले हो तो कैसी बुरी है वो चीज जो तुम्हारा ईमान तुमको सिखाता है, तुमसे करवाता है। قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل कहो قاف ولام اس کا روٹ ہے قالا سے کہنا اس کا مطلب ہوتا ہے اسی سے امر بنا ہے قل ان اگر کانت تھا یا ہے لکم تمہارے لیے کانا کا مطلب دو معنی آتے ہیں تھا بھی اور ہونا بھی अगर हो गया तुम्हारे लिए अद्दारुल आखिरतु आखिरत का घर दार घर अल आखिरा आखिरी घर आखिरत का घर इंदल्लाही अल्लाह के पास इंद माने पास अल्लाह माने अल्लाह अल्लाह के पास खालिसतन खालिस खा लाम सौन इसका मतलब होता है किसी चीज से दूसरी चीज का निकल जाना और वो प्योर बच जाना कोई चीज प्योर हो जाना खालिस हो जाना खालाम स्वाद पानी से या किसी दूसरी और चीज से लिक्विड से कोई जो दूसरी मिलावट की चीज है वो निकल जाए और खालिस वो एक ही रह जाए उसको बोलते हैं खालसा खालिसतन सिर्फ तुम्हारे मिन माने से दून माने अलावा अन्नास माने लोग लोगों के अलावा अगर तुम्हारे लिए सिर्फ आखिरत का घर अल्लाह के यहाँ हो गया है फा तो तमन्नो तमन्ना करो मीम नून या इसका रूट है तमन्ना करना आरजू करना तमन्नो आरजू करो तमन्ना करो अलमौत मौत की मरने की इन अगर कुंतुम तुम थे या हुए सादिकीन सच्चे सात दाल पाव इसका मतलब होता है सच कहो अगर अल्लाह के यहां आखिरत का घर खास तुम्हारे लिए है दूसरों को छोड़कर तो तुम मरने की आरजू करो अगर तुम सच्चे हो अल्लाह के यहां सिर्फ तुम्हारे लिए अगर आखिरत का घर है तो मरने की तमन्ना करो क्योंकि मरकर ही तुम वहां पर पहुंच पाओगे और वो अल्लाह के यहाँ की जो फैसिलिटी है उस घर की वो तुम्हें मिल जाएंगी और वो घर तो यहाँ से बहुत ज्यादा करोड़ों दर्जे ज्यादा अच्छा है तो यहाँ की तकलीफें और परेशानियां क्यों झेल रहे हो तुम तमन्ना करो मरने की ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين سارا كاميرا کیوں تمہارا بند ہے بڑی تم बहुत ही ज्यादा जिद्दी लड़की हो एक से ज्यादा मतलब कम से कम 500 मरतबा हम कह चुके हैं जब से क्लास शुरू हुई है हमेशा कैमरा बंद कर लेती है तो कैमरा अगर ऑफ है कितनी बार बता दिया हम क्लास में नहीं हो आप अगर कैमरा तुम्हारा ऑफ है तो
आपको कहते रहे पढ़ाए नहीं हम, बस आपको बोलते रहे कैमरा ऑफ ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए, आपसे बोलते रहे बस, पढ़ाए नहीं। बताइए यानी किस तरह की लड़कियों, मानती ही नहीं हो। वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन, वाव माने और, लन माने हरगिज नहीं। मुजारे के शुरू में आता है, आखिर से नून हटा देता है अगर होता है तो, और अगर नून नहीं होता है तो आखिर वाले हर्फ पर जबर देता है मुजारे में। माने में नफी पैदा करता है, हरगिज नहीं, नेवर के माने में। यह तमन्नो हो, हरगिज नहीं वो तमन्ना करेंगे, हो इस चीज की यानी मरने की, अबदन कभी भी, हमेशा। अबदन माने होता है हमेशा, कभी भी नहीं। दो बार ताकीद आई है कि कभी भी वो ऐसा नहीं करेंगे। बीमा, बी माने वजह से, वजह के लिए आता है, भी पीछे भी बताया था हमने। माँ माने उस चीज की वजह से। कद्दमत, कद्दमा माने आगे भेजना, आगे करना। काफ दाल मीम इसका रूट है। ता ये मोनस के लिए लगा है, क्योंकि आगे जो इसका फाइल है, सब्जेक्ट है, वो मोनस है, इसलिए ता मोनस के लगी है। कद्दमत आगे किया है, आईदी हिम उनके हाथों ने। यदुन का प्लूरल है आईदी, आईदी और हिम वो लोग, आईदी हिम उनके हाथ, उनके हाथों ने जो आगे किया है उसकी वजह से वो इस बात की कभी भी तमन्ना नहीं करेंगे बनने की। वल्लाहु और अल्लाह, अलीमुन जानने वाला है, आइन लाम मीम इसका रूट है जानना। बी माने आलिमा बा जानना किसी चीज को। अज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों को, ज़ा लाम मीम इसका रूट है जुल्म करने वाले। मगर वो कभी भी इसकी आरजू ना करेंगे बस अब इसके जो अपने आगे भेज चुके हैं, और अल्लाह खूब जानता है जालिमों को। यह आज का सबक है आपका, अच्छे से याद कीजिएगा मन लगा के, और जो मीनिंग्स इसमें बताई गई है उनको अपनी कॉपी में नोट किया कीजिए, आगे समझने में आसानी होती है उससे, अच्छे से याद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।